आज की हमारी इस क्लास में हम एक वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को समझिए कि प्रोजेक्ट क्या है। तो बेसिकली हमारे पास एक वर्टिकल डेटा है जो कि आप देख रहे हैं, इसमें डेट वाइज हमारे सेल्स। तो इसमें मैंने यहाँ पे दिया कि मुझे इस तरह से चाहिए कि नेम, यहाँ पे नेम होना चाहिए, यहाँ पे डेट होना चाहिए। इसी सीट में कर रहा हूँ, आप डिफरेंट सीट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स होना चाहिए ताकि मैं इसमें पीवर्ड वगैरह लगा के एनालिसिस कर सकूं। तो हमें मैनुअली क्या करना है कि सबसे पहले इसको कॉपी करना है और यहाँ नेम करना है, फिर यहाँ से डेट को उठाना है, इसमें डेट को रखना है और फिर सेल्स को उठाना है और कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है। कितना बार करना है? जितना बार हमारा कॉलन है उतना बार हमें करना है। डू वाइल लूप लगाया था लेकिन मैं यहाँ पे फोर लूप ही लगाऊंगा, फोर लूप से ही करूंगा। चलिए, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट और मैं कॉपी नाम का माइक्रो बनाता हूं और यहां देता हूं कि फोर आई इक्वल टू चले टू टू। टू क्यों लिया? क्योंकि कॉलम टू से, क्योंकि पहला तो हमारा फिक्स है ना, यहां से रिपीट इसके अकॉर्डिंग करना है ना। टू से चले एक्स एफ डी वन से लेफ्ट की तरफ यहां। तो निकालने के लिए मैं लिखूंगा रेंज, मैं ए वन से भी कर सकता हूं, ए वन डॉट एंड एक्स लेस टू राइट रो कॉलम। के बाद ये तो हमारा फिक्स है, ये तो फिक्स है हमारा। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि रेंज ए टू से ए सेवन, ए टू से सेवन है और कॉपी और फिर रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्स लेस अप डॉट ऑफसेट 0.1, हाँ 1.0 डॉट पेस्ट स्पेशल। तो पहली लाइन को हमने कर दिया, हर बार ये पेस्ट स्पेशल करता जाएगा, तो कॉपी करेगा और यहां पे इसको पेस्ट कर देगा। अब मैं वापस नीचे से आता हूं, यहां पे जैसे कि इसने पेस्ट स्पेशल किया ना, एक काम करता हूं मैं, यहां लिखता हूं कि डिम लॉ और मैं पेस्ट स्पेशल से पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि r इक्वल टू रो। और फिर सेल्स r कॉमा वन वन टू टू यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज, स्टार्ट करेंगे ये रेंज, स्टार्टिंग पॉइंट है सेल्स, सेल्स में हमने बोला यहां से, मान लीजिए कि पेस्ट करते समय कर्सर हमारा यहाँ आया था, तो पेस्ट करते समय पेस्ट स्पेशल तो कर देते पहले, इसके बाद बात करते हैं। सेल्स सेल्स यहां पे आर कॉमा वन डॉट पेस्ट ए सेल, पेस्ट स्पेशल में स्पेलिंग मिस्टेक है, बाद ये कॉपी हो गया। अब मुझे जितना एरिया कॉपी हुआ है उसके डेट को हमें लेना है, तो हम कितना है 6 है,
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर. Sorry, sir. तो यहां पे अपडेट है तो मुझे ये पूरा इस तरह का सिलेक्शन करना होगा. तो एक दो तीन चार पांच तो टोटल नाम कितने हैं हमारे पास? कट करके लिया है क्या? टोटल नाम हमारे पास छह है तो हम पांच ऐड कर देते हैं. मैं लिखता हूं रेंज. रेंज का स्टार्टिंग है सेल्स. सेल्स में आर कॉमा टू और एंड है सेल्स आर प्लस फाइव कॉमा टू. डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स. सेल्स में रो नंबर वन है और कॉलम नंबर आई है. डॉट वैल्यू हमने डेट की वैल्यू को, जो डेट हमारी थी, इस डेट की वैल्यू को ये जो हमारा जी सेल्स वाला है ऑप्शंस, ये क्या कर रहा है कि जितना एरिया हम पेस्ट कर रहे हैं उसके सामने जो डेट का एरिया ब्लैंक है इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा है. इसकी वैल्यू इक्वल टू ऊपर हेडिंग की वैल्यू हम कर दे रहे हैं. हमें यहाँ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद फिर हम यहां पे लिखते हैं रेंज. दो कॉलम हो चुका, तीसरा कॉलम रेंज. रेंज में हमने यहां पे दे दिया कि स्टार्टिंग हमें करना है सेल्स. सेल्स में रो नंबर टू एंड कॉलम नंबर आई. एंड क्या करना है? सेल्स ये आपका हो जाता है सेवन नंबर रो एंड कॉलम नंबर. कॉपी कर लो. पेस्ट कहां करना है? तो पेस्ट करना है सेल्स आर कॉमा थ्री पेस्ट स्पेशल. इसको एक बार रन करके हम चेक कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है. हो गया सर, कोई मिस्टेक नहीं है. अब देखिए
प्रशांत जी आपका और मेरा सिंपल बनाया छोटा बनाया हुआ है, पर आपने भी आपका भी काम कर रहा है। हम ये नहीं कहते आपका माइक्रो गलत है, रिजल्ट आ रहा है, तरीका कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट आ रहा है, योर प्रोग्राम इज द डन। वीवीए प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं किया कहा गया है कि आपको इसी तरीके से लगाना है। प्रोग्रामिंग का एक ही मकसद है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो प्रशांत जी आपके रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, मतलब कि मेरी माइक्रो जो है कम समय में परफॉर्म होगी, आपकी माइक्रो ज्यादा लंबा टाइम लेगा, क्योंकि आपके स्टेप्स काफी ज्यादा है और मेरे स्टेप्स कम है। तो इसका अगर आपके पास 150 कॉलन है डेटा है तो इसमें इसका कोई फर्क पता नहीं चलेगा। फर्क पता चलेगा जब 50,000 7 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे कॉलम्स पे अगर आप रोज पे इसको परफॉर्म करेंगे तो वहां पे आपको इफेक्ट पता चल जाएगा। अब आप लोग इस लाइन इस कोड को एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कि इसको समझिए और बताइए कि किस लाइन ऑफ कोड में आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ सर, सब समझ सबको समझ में आ गया इसको ये प्रॉब्लम? हेलो, हाँ सर समझ गया। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? वाह, तो इतना जल्दी समझ गया। तो आप लोगों ने बनाया क्यों नहीं? देखिए आप लोगों से हमेशा मेरी ये रहती है कि आप लोग कुछ बना के भेजते नहीं है। अब देखिए पूरे बैच में सिर्फ एक प्रशांत जी ने भेजा है, क्या सर? अमित जी सिर्फ क्लास लेने से ही थोड़ी हो जाएगा। जब तक आप बना, जैसे मुझे देख किया मैंने इनको देखा प्रॉब्लम को, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये एक्सेल की तरह वीवीए में सोच नहीं पा रहे हैं। सिंपल सी लूप बगैर तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम अपने स्टेप को देखेंगे और उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, और मैंने यही किया हुआ है। और जितना हो सके छोटा से छोटा कोड लेने की कोशिश करेंगे। अब जैसे अब इन्होंने प्रशांत जी ने देखिए क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले बोला ए टू से लेके एक कॉपी किया है और पेस्ट कर दिया है। फिर इन्होंने क्या किया, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू 1,01 डॉट सिलेक्ट और एक्टिव सेल डॉट वन, वे डॉट वन करने की क्या जरूरत था आपको सर? हेलो सर, वो ना वहां पे वन डाल के ना तो नीचे
से ऊपर मतलब मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में हेडिंग नहीं दिया था ना हाँ. हेडिंग नहीं दिया था नेम और ये तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं कैसे उसको रेंज को सिलेक्ट करूं. देखिए देखिए तो आपका ये एक्टिव यहाँ पे वही तो है चीज, जैसे कि आपने आपको आप जा रहे थे सही चल रहे थे, आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है पेस्ट स्पेशल कर दिया राइट कर दिया हाँ. आप यहीं पे लिखते कि रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलस आप ऑफसेट 0.1 डॉट सेलेक्ट. ये क्या करता है देखिए यहां पे क्या करता है, जैसे कि आपने एक मैं ढीले मारता हूं, आपने यहां पे एक को कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया ना सर हाँ, हाँ. अब क्या होगा कि नीचे से ऊपर आएगा और एक रो नीचे जाके यहां पे एक्टिव हो जाएगा. इससे लोग आप कोड लिखते हैं यहां पे कि रेंज एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलस आप. ये क्या करता, ये करता आपका ए ऊपर तक चला जाता. अब डेट नहीं चाहिए सर, जो मैंने मैंने क्या किया था जो मुझे आपने क्या किया तो दिख रहा है, लेकिन आपने क्या किया था वही मैं समझा रहा हूँ आपको ना, कि यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे एक्सलेस अप डॉट ऑफ से और यहाँ पे 1.0 डॉट वैल्यू या सिलेक्ट कर देंगे आप दे? तो आप क्या हो गया 1.0 एक्चुअली वो स्टार्टिंग मैंने जब किया था ना तो मैंने हेडिंग नहीं दिया था, तो दिक्कत ये आ रहा था कि उसको बराबर वो रेंज पे कैसे हाँ वो रेंज पे कैसे लेके जाओ. हाँ तो मैंने हेडिंग नहीं दिया था, इसके लिए मैंने वहां पे 1 डाल के वो सिलेक्शन किया. तो हर बार आपका 1 जा रहा है ना सर, हर बार 1 डाल रहे हो ना आप, ये देख रहे हो. समझ गया सर, ये चीज होती है कि आप बिल्कुल प्रोजेक्ट करेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा. ओके चलिए एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम आपको हम देते हैं. एक नहीं मैं आपको दो प्रॉब्लम देता हूँ और ये रियल प्रॉब्लम तो मैंने ऐसी मन से बना के बोलता लेकिन ये आपका रियल प्रॉब्लम है. तो हमारे एक मित्र है वो हम उन्होंने मुझे फाइल भेजा हुआ है. awesome. तो उनके ये रिफरेंस है यहाँ पे देखिए, रिफरेंस दिख रहा है ना, तो किसी में एक है और किसी में बहुत सारे हैं. तो वो एक कॉलम ऐड करके वो रिफरेंस के अंदर में ए डबल एम लगाना चाहते हैं. awesome. लेकिन जितने लाइन है उतने बार दिख रहा है आपको. awesome. इसको आपको करना है, इसका कुछ निकालना है ठीक है. तो क्या किया है ये समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ दिख रहा है आपको 0.05 इसमें एएमएम ऐड किया है ना. हाँ क्या होता है कि एक ही सेल में लिखा हुआ, जैसे कि एक ही सेल में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, फिर लाइन चेंज करने के लिए उन्हें दूसरा नंबर लिख दिया. समझ गए. हाँ. उनका कहना है कि मुझे इसमें हाँ. इसके आगे एमएम ए डबल एम करना है, सॉरी सर मेरा लग रहा है मोडम भी स्टार्ट हो गया था. समझ गए कि नहीं. नहीं सर, उन्होंने क्या ए डबल एम ही लगा दिया ना, और कुछ लगा क्या किया. नहीं सिर्फ ए डबल एम ही लगाना है.
पर उनके फिर तो मैं करने के बाद है, उनके कुछ रेफरेंस नंबर है जो एक ही सेल के अंदर में रैप टेस्ट करके लिखा हुआ है। जैसे एमएस वर्ड में हम लाइन चेंज करते हैं ना, ऐसे ऑल टेन पे हाँ लाइन चेंज किया हुआ है, हाँ बस हर लाइन के आगे ए डबल एम उसको ऐड करना है, ओके सिंपल सा। या कुछ भी ऐड करना है, ए डबल एम हो प्लस नाइन, मान लीजिए मोबाइल नंबर है +91 ऐड करना है, ओके समझ बोल गया ना। तो हाँ इसको कीजिए, फिर एक और है यहाँ पे, वो हम आपको देंगे अगले दिन, लेकिन इसको करके भेजिए प्लीज। अब इसको हमने फॉर्मूले से किया है, इसको देख लीजिए, हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले से कर दिया हुआ है, लेकिन आप वीवीएम में इसका कोई अल्टरनेटिव खोजिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। प्लीज आप लोग प्रोजेक्ट को किया कीजिए, जब नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा सर, जब तक क्लास नहीं तब तक थोड़ा एक आएगा उसका, भूल जाएंगे आप। हाँ क्वारी थी सर, क्वारी थी एक। पूछिए। हाँ मुझे ना डेटा सॉर्ट करना था, बहुत ज्यादा डेटा था तो उसे सॉर्ट करना था। तो क्या दिक्कत है शॉर्ट करने? काजी दिक्कत क्या है शॉर्ट करने में? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था उसे। हाँ आप दिक्कत क्या हो रही है उसके लिए? अच्छा, डेटा था उसे असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट करना था, बट वो क्लिक बटन से करना था। हाँ तो क्या दिक्कत है शॉर्ट करने का? नहीं आता आपको? रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्डिंग करते समय डेटा, जैसे मान लीजिए कि इससे सॉर्ट करना है हमें, तो हमने क्या किया, यहाँ एक मिनट, हाँ यहाँ असेंडिंग में सॉर्ट करने का कोड ले लिया, और फिर यहाँ डिसेंडिंग में सॉर्ट करने का कोड ले लिया ना सर। माइक को स्टॉप करते हैं, कोड पे जाइए। तो इसमें इसमें क्या हो रहा है ना सर, ये जो हेडलाइन है, हेडलाइन भी ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ तो अभी हो जाएगी, यहाँ पे कोड देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। एक्टिव वर्कबुक sheet1.sort शॉर्ट फिल्टर add to range C11 शॉर्ट वैल्यू ऑर्डर सेंडिंग ऑप्शन एक्सेल शॉर्ट नॉर्मल शॉर्ट। यहाँ यहाँ पे हुआ ना, जैसे कि ये आपका यहाँ पे हेडिंग हीडर एक्सेल नो आ रहा है ना, इस हीडर को एक्सेल यस सर, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गया सर, यस सर, इन दोनों कोड को अलग अलग माइक्रो में डाल दीजिए और बटन के साथ लिंक कर दीजिए, हो गया। हाँ बन जाएगा। चलिए मैंने किया ऐसे ही था, बट वो हेडिंग और फिर डेटा की रेंज भी चेंज हो रही थी उसके साथ साथ। वो कभी अगर मैं नंबर 2 से कर रहा था तो 3 में चला जा रहा था। हाँ, तो आप क्रिकेट देखिए, दिक्कत होगा तो फिर मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, लास्ट क्लास की वीडियो शेयर कर दो सर। जरूर जरूर।